आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि एक गन है जिसका मजल स्पीड दिया हुआ है भी नॉट, इज सिचुएटेड एट एच हाइट अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, उसका भी नॉट इनिशियल स्पीड है और एच हाइट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर वो सिचुएट है, मतलब रखा हुआ है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल एट विच इट मस्ट बी फायर सो एज टू अचीव द ग्रेटेस्ट रेंज ऑन द प्लेन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो कह रहा है कि हम लोग प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि हम लोग वो एंगल थीटा निकालना है जिससे फायर किया जाए तो ग्रेटेस्ट रेंज अचीव कर पाए। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट रेंज अचीव कर पाए। ठीक है, और वो थीटा यही दिया हुआ है, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहले तो डायग्राम बना लेंगे कि कैसे ये मजल वेलोसिटी है, तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन ये कैसे कर रहा है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे दोस्तों हम लोग, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाएंगे, सी ए ओ पॉइंट से इसे रिलीज किया जा रहा है, मीन्स ओ पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है, और ये एक प्लेन है जिसके एच हाइट के ऊपर, यही हॉरिजॉन्टल प्लेन वही है जिसके एच हाइट के ऊपर ये यहाँ से ये फायर किया जा रहा है एच हाइट से। ठीक है, तो मान ले रहे कि यही वो प्लेन है और यहाँ से इस ओ पॉइंट से ये फायर किया जा रहा है, फायर किया जाएगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ जाएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे जाके गिरेगा किसी पॉइंट सी पे, मान ले रहे कि सी पे गिर रहा है, और ये इसी तरह एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कि कितना जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट से जा रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यही थीटा एंगल पूछ रहा है ताकि ये मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाए। ठीक है, ये उसका हो गया मैक्सिमम हाइट हो गया, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं पी पॉइंट है और ये वाई मैक्स है कि ये मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यही थीटा एंगल हो गया और ये ओ सी जो है, ओ बी जो है, सो ये तो इसका पूरा रेंज क्या होगा, रेंज ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ सी पॉइंट तक, रेंज ओ बी नहीं होगा क्योंकि गिर तो नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहा है। ठीक ना, तो हम लोग को ये थीटा डिटरमाइन करना है। अब हम लोग क्या है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, वो जनरल इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमेशा वो जनरल इक्वेशन होता है। क्या आर इजकल टू रेंज हम डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होता है, बी कॉस थीटा अपॉन जी इंटू बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच पावर वन बाई टू। ये एक नॉर्मल इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, ये मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं, नॉर्मल रेंज का ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी कहा जाता है, तो ये एक इक्वेशन होता है। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन से जनरली, इस इक्वेशन जो दिया हुआ है, ये भी जो जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, जो रेंज है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मैक्सिमम थीटा रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है हम लोग को, और वो थीटा निकालना है जिसमें मैक्सिमम रेंज अचीव कर पाए। तो इस इक्वेशन से तो हम लोग को निकल जाएगा क्योंकि इसमें आर जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, या आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बाहर निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा बाहर निकाल लेंगे। साइन थीटा जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी और एक भी भी बाहर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं भी एक बाहर निकाल सकते हैं और साइन थीटा भी बाहर निकाल सकते हैं, ये दोनों टर्म बाहर निकालेंगे, भी साइन थीटा बाहर निकालेंगे, क्या निकाल जाए बाहर, भी साइन थीटा ये हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी भी नॉट दिया हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी भी नॉट है। ठीक है, तो भी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी इंटू वन प्लस टू जी एच पावर वन बाई टू, बी साइन थीटा हम लोग बाहर निकाल लिए, तो ये इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करना है दोस्तों, मैक्सिमम रेंज निकालना है।
मैक्सिमम रेंज निकालना है कोई भी चीज़ में, मैक्सिमम डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैक्सिमा निकालना होता है तो मैक्सिमा के केस में क्या होता है कि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स या कुछ भी उसके जीरो के बराबर करना पड़ता है तो मैक्सिमा निकल जाता है। तो इस केस में क्या है दोस्तों, रेंज का हम लोग को मैक्सिमा निकालना है और थीटा एंगल पर निकालना है, किस थीटा पर वो मैक्सिमम जाएगा। तो क्या करेंगे मैक्सिमा निकालने के लिए, डी आर बाई डी थीटा का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो को इक्वल कर देंगे। जीरो को इक्वल कर देंगे तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम, वही थीटा वैल्यू पे हम लोग का मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा। ठीक है, तो डी आर बाई डी थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है, जो आर का इक्वेशन है, उसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वैल्यू वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी टू कॉस टू थीटा इंटू वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर वन बाई टू, ये आ गया। ठीक है, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू साइन टू थीटा इंटू, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वी नॉट, पहले यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर है, ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर है तो वी नॉट स्क्वायर को कर दिए, और साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा लिख सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू जी हो गया, और साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू थीटा है, फिर ये अंदर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से, और फिर मीन्स यू इंटू वी रूल लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वी से, अब यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू इंटू टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर टू कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर वन बाई माइनस वन बाई टू आ गया। अब इससे और हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मीन्स जो भी टर्म है, जो भी कॉमन लेना है उसे कॉमन लेंगे, और जो भी सब्ट्रैक्ट करना है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डी आर बाई डी थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, मीन्स कॉमन टर्म लेने के बाद आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस टू थीटा इंटू वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर वन बाई टू माइनस टू एच कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया दोस्तों, डी आर बाई डी थीटा का आ गया वैल्यू पूरा सॉल्व करने के बाद आगे हम लोग को आ गया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डी आर बाई डी थीटा को जीरो को इक्वेट कर देंगे। सो ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन है, उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, और ये वाला माइनस साइन को उधर साइड राइट हैंड साइड हम लोग भेज देंगे। ठीक है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस टू थीटा इंटू वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर वन बाई टू, इधर साइड ये माइनस वाला जो भी टर्म है उसको इधर साइड भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो इधर क्या आ जाएगा, टू एच कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये पावर माइनस वन बाई टू। ठीक है, ये आ गया दोनों टर्म को रीअरेंज करने के बाद हम इसको फर्दर क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कि ये वाला जो टर्म है वन प्लस टू जी एच वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर माइनस वन बाई टू, इससे क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि इसको इस साइड भेज देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाइंग ये वन प्लस ये वाला टर्म वन प्लस टू जी एच अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
पे पावर 1/2, इसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हम लोग को बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ इंटू 1+2gh अपॉन बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2h कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस 2θ इंटू 1+2gh अपॉन बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे फर्दर, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कॉस 2θ को हम लोग जानते हैं, कॉस 2θ को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वाला जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे क्या हो जाएगा, कॉस 2θ को इससे सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोग को आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ इंटू 1+2gh अपॉन बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे पावर 1/2 इज इक्वल टू 2h कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या जाएगा दोस्तों, ये तो मीन्स अंदर कॉस 2θ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2gh अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, एक साइन स्क्वायर थीटा वाला भी कॉम्पोनेंट होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2gh अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे आ गया दोस्तों, इसको अब यहाँ पे कॉस 2θ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लगा दिए। अब क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मीन्स रीअरेंज करेंगे टर्म्स, इस टर्म्स को इधर भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको कॉस 2θ को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको भी रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंपल सा छोटा टर्म आ जाएगा, ये वाला 1+2gh अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 1/2 इक्वल टू 2h प्लस वी नॉट स्क्वायर जी अपॉन कॉस 2θ, ये एक सिंपल सा टर्म आ जाएगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने का क्या होगा दोस्तों, कि ये वाला टर्म तो 1/2 हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद जो टर्म आएगा वो आ जाएगा दोस्तों बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने का थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे तो 2gh अपॉन बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस 4h इंटू बी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ, ये आ गया सिंप्लीफाई करने का। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2h जो 2h एक कॉमन आ रहा है वो दोनों डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो मीन्स डिवाइडिंग मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स क्योंकि इधर 4h है इधर 2h है तो इधर भी 4h चाहिए तो मल्टीप्लाइंग बाय 2h बोथ 2h बोथ साइड्स, दोनों साइड में 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, और थोड़ा सॉल्व करने के बाद 2h इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कॉस 2θ इंटू जी अपॉन वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये इस टर्म्स को यहाँ पे जी वी नॉट स्क्वायर जी से जी तो ये कट जाएगा, ठीक है,
और कॉस टू थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब रिप्लेस करने के बाद हम लोग को आ जाएगा क्या दोस्तों, हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जी एच अपॉन वी नोट स्क्वायर प्लस जी एच, ये आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स जी एच अपॉन वी नोट स्क्वायर प्लस जी एच, यही वो रिक्वायर्ड थीटा है जिसपे रेंज आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में फाइंड करना था। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।